नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल धीरज और मैं एसीसी में आपका स्वागत है। देखिए क्लास 9th एक्सरसाइज 5 का इंट्रोडक्शन। तो देखिए हम देख रहे हैं यूक्लिड की अवधारणा फर्स्ट। तो यूक्लिड की फर्स्ट अवधारणा क्या थी? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु। देखिए एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, यानी कोई एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये अवधारणा फर्स्ट थी। इसका दूसरा पॉइंट सेम इसी प्रकार का है। दिए हुए दो भिन्न बिंदु, यानी कोई भी दो बिंदु यानी अलग अलग दिए हो, एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यानी इससे क्या, कितनी रेखाएं खींची जा सकती? एक। अद्वितीय में से होता है केवल एक, यानी कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? केवल एक। दोनों का मतलब सिर्फ एक ही है। देखिए यहां पर कह रहा था एक बिंदु दिया है और एक अन्य बिंदु, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। और सेम यहां पर भी दो भिन्न बिंदु, यानी कोई भी दो बिंदु दिए होकर, होकर इन बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। देखते हैं यूक्लिड की अवधारणा सेकेंड। अवधारणा सेकेंड क्या थी? एक शांत रेखा। अब देखिए शांत रेखा, यूक्लिड के टाइम में शांत रेखा कहते थे, अब रेखा खंड कहते हैं। अब रेखा खंड क्या होता है? जिसकी एक निश्चित मापदंड हो, कि ये 5 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर या 15 या 16, कुछ भी जिसकी एक निश्चित माप होती है उसे रेखा खंड कहते हैं, और जिसकी निश्चित माप नहीं होती वो रेखा होती है, को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी शांत रेखा या कहे रेखा खंड को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट है एक रेखा खंड को, देखो यहां पर डायरेक्ट उसने रेखा खंड कह दिया, दोनों ओर विस्तृत करके एक रेखा बनाई जा सकती है। अगर दोनों तरफ विस्तृत मीन्स होता है बढ़ाना, जिससे विस्तृत उत्तरी प्रश्न होता है, यानी बढ़ाकर लिखना होता है, यानी बढ़ा करके एक रेखा बनाई जा सकती है। एक रेखा आप कितना भी बढ़ा सकते हैं और एक हमारी ये रेखा बन जाएगी, क्योंकि रेखा की कोई निश्चित माप नहीं होती है। देखते हैं यूक्लिड की अवधारणा थर्ड। अवधारणा थर्ड क्या थी? इसमें कह रहा है किसी को केंद्र मानकर, इसे मान लेते हैं केंद्र है, को मानकर किसी भी माप की त्रिज्या, यानी किसी भी माप, यानी कोई फिक्स नहीं है। हम 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, हम 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं त्रिज्या, हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले सकते हैं, यानी हम किसी भी माप की त्रिज्या ले सकते हैं। कह रहा है त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, इसको केंद्र मानेंगे, यहां प्रकार रखेंगे और इस प्रकार हम वृत्त बना देंगे। अगर हम 3 सेंटीमीटर का बनाते हैं, फिर 4 का अगर बनाते हैं, इस प्रकार से वृत्त बना देंगे। किसी को केंद्र मानकर, यानी किसी को भी आप कहीं भी केंद्र मान लीजिए, और किसी भी माप की त्रिज्या, यानी आप प्रकार को कितना भी खोल लीजिए या कम कर लीजिए, और आप एक वृत्त का निर्माण कर देंगे। ये हमारी यूक्लिड की अवधारणा थर्ड थी। यूक्लिड की अवधारणा फोर कह रहा सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए समकोण, जैसे मान लीजिए एक प्रकार से ये समकोण है, समकोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, और ये भी समकोण है। अब यहां पर कह रहा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का मतलब ही होता है 90 अंश। अब ध्यान दीजिए, बड़ा है ये छोटा है। बराबर किस प्रकार से? बराबर का मतलब ये, अगर ये समकोण यहां पर ले आए तो ये हमारा समकोण इस प्रकार से बन जाएगा, यानी इसी के ऊपर बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। ये वाला छोटा, ये हमारा समकोण है, ये छोटा वाला है जो, यानी ये इसी के ऊपर बराबर है। और अगर हम इस प्रकार से अगर कोई बड़ा बना दे, ठीक, तो ये भी हमारा इसी पर एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको रखेंगे तो इसकी नाप बराबर होती है, एक दूसरे की नाप क्या होती है? बराबर होती है। समकोण कोई भी हो, उसकी नाप कितना होता है? हमेशा 90 की होती है। और अगर आप चाहें, अगर उठाने वाला कोई सिस्टम है, तो इसके ऊपर ही ये एडजस्ट हो जाता है। देखते हैं यूक्लिड की अवधारणा 5। ये वेरी मोस्ट है, इसका यूज आप देख लेना, काफी अच्छा लगेगा आपको। यदि एक सीधी रेखा, मान लो कोई सीधी रेखा है, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यानी कोई दो सीधी रेखाएं हो, जैसे मान लो एक प्रकार से मान लेते हैं हम ये खींची है और दूसरी ये सीधी, कोई सीधी रेखा है, ये जो ही नहीं कि समांतर हो एक दूसरे के, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, यानी दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यानी दो सीधी रेखाएं हैं और उस पर कोई एक रेखा गिर रही है, कोई भी मान लेते हैं, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर
दो अंतःकोण। देखो अपने एक ही ओर, मतलब इधर देखिए ये अंतःकोण है, और अगर हम इधर के माने तो ये अंतःकोण है। एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण। अब देखिए दो समकोण, एक समकोण होता है 90 अंश का, और दो समकोण यानी 90 90 टोटल हो गया 180। दो समकोणों से कम हो, अगर दो समकोणों से कम होना यानी 180 अंश से अगर कम हो। अब देखिए किसका योग कह रहा है, इन दोनों कोणों का योग। देखिए बनाए एक ही ओर दो अंतःकोण, एक ही ओर दो अंतःकोण, या तो फिर ये और ये मान लो 1 या 2 मान लेते हैं, या 3 और 4। अंतःकोणों का योग इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो यानी 180 अंश से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखा निश्चित रूप से बढ़ाया जाए। अब देखिए यहाँ पर समझिए, मान लो ये 70 है, मान लो 70 है, ये सीधी रेखा है तो ये कितना हो गया 110। ये मान लेते हैं 50 है, ध्यान रखिए, तो ये कितना हो जाएगा इधर वाला 130। अब इधर अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 120, जो कि 180 अंश से कम है, और इधर अंतःकोणों का योग हो जाएगा 240, जो 180 अंश से अधिक है। अब इसका मैटर अगला आगे समझिए, तो वह दोनों सीधी रेखाएं, देखिए दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से अगर कम है, तो कम किसका है यानी इसका और इसका, तो वह दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, अगर इनको अनिश्चित रूप में मतलब इसकी कोई माप नहीं है कितना बढ़ा दें, अनिश्चित रूप से बढ़ाना यानी बढ़ाना है, ठीक। तो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। यह इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो दो समकोणों से यह किसमें कम है, इधर 70 और 50 कितना हुआ 120 यानी 180 अंश से कम है, और इधर क्या है ज्यादा। तो मिलेगी किस ओर, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग कम हो, यानी इसी इस तरफ। देखिए अगर हम इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाएं तो हमारा इधर ही देखो ये मिल रहा है पॉइंट, और अगर इधर बढ़ाते चले जाए कितना भी बढ़ाएंगे ये नहीं मिलेगा, यानी इसका योग इन दो अंतःकोणों का योग अगर 180 अंश से कम है तो इधर मिलेगा, अगर इधर कम होता तो इधर मिलता है, भले ही एक अंश ही क्यों ना कम हो, अगर 179 भी है तो कभी ना कभी इधर ही मिलेगा। क्लास 9th एक्सरसाइज 5 द एंड। वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक कर देना।